Assalamualaikum everyone and thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel. आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसके बारे में आपने पूछा था कि मैं स्टॉक मार्केट को अगले साल या इस पूरे साल के अंदर और नेक्स्ट ईयर कहां देख रहा हूं। अभी तो पहली बात है कि ये मंथ है जिसे कहते हैं रिजल्ट सीजन। रिजल्ट सीजन के अंदर मोस्टली सारी कंपनीज के या तो एनुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं या क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, जिसमें वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी शेयर करेंगे, अपने रिजल्ट्स शेयर करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस शेयर करेंगे। मोस्टली आप देखेंगे कि फरवरी या मार्च के अंदर जब रिजल्ट्स कंपनीज के आएंगे, उसके बाद उनके डिविडेंड्स आने हैं, नहीं आने, उनके रिजल्ट, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी सेल्स, उनके फिगर्स आएंगे। मोस्टली मैं एज एन इन्वेस्टर इस टाइम को यूज करता हूं टू अंडरस्टैंड एंड री एवेल्युएट एवरीथिंग व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड इन और मैं उसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लेके चलूंगा। अगर ये साल उनका अच्छा था, उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, उनके नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है, उनके क्या हेडविंड्स मुझे नजर आ रहे हैं, उसके बाद में अपनी री एवेल्युएट करके सिचुएशन मैं उसके बाद उसके, क्योंकि मैंने अगर इन्वेस्टमेंट की थी पहले कुछ महीनों से और मैं उनका वेट कर रहा था और आज वो बेहतर प्राइसिंग के अंदर है, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसका फायदा उठाने के लिए ये मेरा परफेक्ट टाइम है। आइदर आई विल गेट अ डिविडेंड या मेरा शेयर ऑटोमेटिकली अगर परफॉर्म बेहतर करेगा, दोनों केसेस के अंदर इफ आई वांट टू स्टे इन दैट शेयर तो मैं रख सकूंगा। अगर मैं निकलना चाहता हूं शेयर से, उसको बेचना चाहता हूं एंड आई फील क्या है, जो मैंने बेनिफिट लेना था वो ले लिया है, तो मैं उससे निकल सकता हूं। ये एक स्ट्रेटजी है जो लोग यूजुअली अप्लाई करते हैं फॉर होल्डिंग टू अ लॉन्गर टाइम पीरियड। आई नो देयर्स अ कैपिटल गेन टैक्स दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि लोग, अब वो चाहते हैं कि लोग सिक्योरिटीज को होल्ड करें। जितना देर वो होल्ड करेंगे तो सिक्योरिटीज अनस्टेबल नहीं होंगी बल्कि स्टेबल रहेंगी और उससे लोगों के बिग जंप्स एंड बिग फॉल्स नहीं होंगे। सो ये एक तरीका है फॉर गेटिंग दैट आउट, बट इट डजंट मैटर इन द लॉन्ग रन। यू व्हाट यू लुकिंग फॉर इज कि आपको अपने पैसे के ऊपर रिटर्न किस किस्म का मिल रहा है। सो एज आई मेंशनड थिंग्स एज यू सी राइट नाउ, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बहुत बेहतर इंप्रूव कर रहे हैं। यू सी एक्टिविटी हो रही है, लोगों में एक जनरल सेंटिमेंट in it's a very famous saying in the stock market, ki stock market is based on emotions, it's sometimes not even based on fundamentals. Jab aapke mulk ki sentiment acha ho aur sentiment behtar chal raha ho to automatically stock market aapko jo cheez pehle mehengi nahi lagti thi aap hazar reasons uske dhoond lete hain aur usko kehte hain ki nahi ye sasti aur main abhi bhi khareedna chahta hu kyunki mujhe lagta hai isme value hai. Now again, as I mentioned, stock market is not the real reason for you to buy a stock. Because stock market is price. It doesn't mean it's showing you real value of a stock. Uski value kya hai? Uski kimat actual kya hai? Aur ek jo wo kimat stock market bata rahi hai, usme fark ho sakta hai, usme differences aata hai. Kabhi wo niche ho sakta hai, kabhi wo upar ho sakta hai. Agar aap upar lenge, अगर अपनी रियल वैल्यू पे आ जाएगी आपका नुकसान होगा। अगर आप नीचे, जब अपनी वैल्यू से नीचे में नजर आएगा आपको, तब लेंगे तो आप उसकी वो राइड एंजॉय करेंगे और आप बेनिफिट लेंगे। सो नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर एग्जांपल सॉरी दिस ईयर 2021 और नेक्स्ट ईयर 2022 के लिए, एज फॉर आई सी रिजल्ट्स बैंकिंग के तो डेफिनेटली अच्छे आए हैं। अब जबकि बैंकिंग के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, बैंक अल हबीब का भी प्रॉफिट डिक्लेयर हो गया, उन्होंने 4.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। People were expecting a better dividend from them because maybe because they felt ke, lekin agar aap purane 5-6 saalon ke unke inline dekhe to wo inline hai. Another company that I saw was Baba Fareed Sugar Mills. Baba Fareed Sugar Mills has done well. I must give you this open notice, I own both of these shares. I own Baba Fareed and I own Bank Al Habib. इन दोनों ने कंपनीज अपने आप को इंप्रूव किया। बाबा फरीद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि बाबा फरीद शुगर मिल्स वाज ओन्ड बाय जो थी पहले द ओनर्स ऑफ पत्तों की शुगर जो थे, या वो इसको ओन करते थे, उन्होंने ये सेल की, जो उसके बाद ये सेल हो गई, उसके बाद इन्होंने ऑफर किया अपने सब इन्वेस्टर्स को कि वो अपने 52 रुपीज अ शेयर के ऊपर अपने शेयर उठा ले। एज यू यूजुअली हैपेंस जब एक नई कंपनी एक्वायर होती है तो उसके बाद कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं और आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, द कंपनी वाज अंडर हैवी लॉसेस, उसके बाद कंपनी इज नाउ। इसके अलावा बहुत सारी अदर कंपनीज अपने रिजल्ट्स दिखाएंगी। एज आई फोरसी राइट नाउ द इकोनॉमी ओवरऑल, सीमेंट के सेक्टर में भी आप लोग देख रहे हैं एक्टिविटी हो रही है, कंस्ट्रक्शन होगी, डैम बन रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स है, फॉरन ऑर्डर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी इंप्रूव कर रही है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, इंटरेस्ट रेट कम है। सीमेंट की बहुत बड़ी कॉस्ट, उनकी इंटरेस्ट रेट की कॉस्ट होती थी अगर उन्होंने, तो इंटरेस्ट रेट की कम होने की वजह से उनके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। तो आई एक्सपेक्ट द स्टॉक मार्केट टू गो अप सब्सटेंशियली। बहुत सारी चीजें हो सकता है कुछ ओवर वैल्यूड हो, वो अपनी वैल्यू के हिसाब से आ जाएंगे। दैट्स द गुड पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट के ओवर वैल्यूड चीजें अगर डिलीवर नहीं करेंगी तो वो एंटर हो जाए, अपनी वैल्यू के ऊपर वापस आ जाएंगी। तो अगर आपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, यू आर वेटिंग इट आउट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट फॉलो द कंपनी।
और अपने इन्वेस्टमेंट को देखें कि वो किस तरह ग्रो कर रही है। जब तक स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता, मुझे कोई इंसेंटिव नहीं है कि मैं अपना पैसा बैंक में रखूं, क्योंकि मुझे बैंक के ऊपर 6-6.5% से ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे। दैट मींस मनी हैज टू गो समवेयर एंड देयर आर 2-3 प्लेसेस व्हिच दे विल गो। मोस्ट इंपोर्टेंटली इस गो विल जाएगी स्टॉक मार्केट के अंदर, दूसरा जाएगी तो जाएगी प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी में भी मुझे कुछ लोगों से बात होती है एंड आई डू अ फीचर ऑन द प्रॉपर्टी सेगमेंट, बट प्रॉपर्टी के अंदर भी प्राइसेस जो है वो ओवरऑल इंप्रूव करनी शुरू हुई है और लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट रिटर्न की वो उसमें रिटर्न अच्छा ले सके हैं। स्टॉक मार्केट में लोगों के अंदर डर थोड़ा ज्यादा है, जैसे मेरा रीजन होता है लोगों को, आप लोगों को एजुकेट करना कि आप लोग एक अपनी टोटल वेल्थ का 1% इन्वेस्ट करें स्टॉक्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट इज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, बिकॉज दीज आर मोस्टली आर पाकिस्तानी कंपनीज एंड यू आर सपोर्टिंग पाकिस्तान कंपनीज टू ग्रो। और उस बेसिस के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दीज कंपनीज विल नाउ बी एबल, और जितना आईपीओ आते जाएंगे वो मार्केट से और पैसा रेज करेंगे और लोगों में फेथ रखेंगे और इन्वेस्ट करेंगे एंड ओवरऑल विल बेनिफिट द होल कंट्री। सो आई फील दिस ईयर विल बी गुड। अभी तक जब तक इंटरेस्ट रेट की कोई हेडविंड्स मुझे नहीं नजर आ रहे तो जो है स्टॉक मार्केट विल गो हायर। अभी अच्छा टाइम है, अभी बहुत सी चीजें अंडर वैल्यूड है, लोग कह रहे हो बड़ा महंगा हो गया, मगर मेरे ख्याल में तो हाईएस्ट पॉइंट जब 2017 के अंदर स्टॉक मार्केट गई थी वो भी 53,000-54,000 थी, जब उसमें बहुत ज्यादा हाइप आई थी कि पाकिस्तान MSCI के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाइप हुई थी और ऐसा ऐसा मार्केट ग्रो करते बहुत हाई लेवल्स पर चली गई थी। करंट वैल्यूज के ऊपर आई स्टिल फील पाकिस्तानी अभी इक्विटीज बहुत लो है, देयर स्टिल अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब आप उनकी अगले साल की अर्निंग्स देखते हैं कि वो क्या करेंगे या उनकी बुक्स को देखते हैं कि उनकी करंट उनके शेयर की वैल्यू इतनी है जितनी मार्केट उसको डिक्टेट कर रही है, आई फील कि नेक्स्ट ईयर वी कुड गो, दिस ईयर वी कुड गो अबव 55,000 तक जा सकते हैं। इफ हेडविंड्स और कम रही, हमारा डेफिसिट कंट्रोल में रहा, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि वी कुड इवन क्रॉस 60,000। Now I pray, inshallah, you make good investments and अपनी लिए, अपनी families के लिए अच्छी investments करें, save करें, उस पैसे को सही तरह invest करें, उसको grow करने के लिए time दें, तो inshallah you'll be financially secure and financially successful. Take care of yourself. Thank you very much for tuning in. अगर आपको interesting लगती है, अपने दोस्तों को share करें, अपने friends को share करें, उनको बताएं, उनको financially educate करें. It's very important to get educated about finance. बहुत सारी बातें जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, मैंने पढ़ी, उसके बाद शायद मैंने कभी यूज भी नहीं की, एंड आई थिंक यू फेस द सेम प्रॉब्लम। सो डोंट इग्नोर दीज थिंग्स, दिस इज इंफॉर्मेशन जो आपको बेसिक बातें हैं, अगर आप उनको रियल टाइम में इन्वेस्ट करेंगे और उसको चीज को कराएंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे रियल टाइम में, रियल बातों को सुनेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल बी फाइनेंशियली फ्री एंड दैट इज व्हाट वी ऑल वांट। वी वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री बाय डूइंग व्हाट वी लव, जो चीजें आपको पसंद है, जो बिजनेस पसंद है, जो काम आप पसंद करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर और फाइनेंशियली फ्री होंगे तो यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो आप अभी नहीं कर सक रहे, बिकॉज आपको पता है मैंने नौकरी पे जाना है, मुझे काम करना जरूरी है, क्योंकि मेरे पेचेक्स मंथली के मंथली करने हैं। स्टार्ट अर्ली, सेव अर्ली, इन्वेस्ट नाउ सो दैट यू कैन हैव अ गुड फ्यूचर। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।